मध्य प्रदेश के रीवा में अमैया थाना अंतर्गत धोबिया टंकी में ऑटो से 7000 पार पीड़ित पहुंचा थाने। ऑटो से चोरी हुए पैसे पुलिस के लिए बनी चुनौती। पीड़ित पुरुषोत्तम वर्मा पिता रामजी वर्मा 50 वर्ष निवासी अखाड़ घाट का रहने वाला है। पीड़ित पुरुषोत्तम वर्मा सुबह 11 बजे पंजाब नेशनल बैंक शाखा मेडिकल कॉलेज से 7000 निकाल कर घर की ओर जा रहा था। तभी एक ऑटो वाले ने पीड़ित से कहा, कहां जा रहे हो आप, हमको नहीं पहचानते क्या, आइए बैठिए, मैं आपको धोबिया टंकी तक छोड़ देता हूं। तभी पीड़ित पुरुषोत्तम वर्मा ऑटो में आगे की सीट पर बैठ गया और धोबिया टंकी में उतरा। तभी ऑटो वाले ने बोला कि आप यहीं उतर जाइए, मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। जैसे ही पीड़ित पुरुषोत्तम मिश्रा ने किराए देने के लिए जेब में हाथ डाला तो पता चला उसके जेब में पैसे ही नहीं थे। इतने में ऑटो चालक और उसका साथी वहां से मौके से रफू चक्कर हो गया। वहीं पीड़ित ने बताया कि मुझे ऑटो वाले के ऊपर शंका है कि ऑटो वाले ने ही मेरा पैसा पार किया है। घटना की शिकायत अमहिया थाने में पीड़ित ने कर दी है। अब पीड़ित पुलिस और सीसीटीवी कैमरे की मदद लेना चाह रही है। पीड़ित ने कंट्रोल रूम पहुंचकर अपनी आपबीती मीडिया को सुनाई। अब देखना यह है कि अमहिया पुलिस किस तरह से पीड़ित पुरुषोत्तम वर्मा की मदद करती है। आइए दिखाते हैं रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम वर्मा। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना गए थे हम पैसा निकालने मेडिकल कॉलेज पंजाब नेशनल बैंक में, और पैसा निकाल के 11 बजे चले आ रहे थे धोबिया टंकी के गेट में जो है, तो पहुँचे जब तो ऑटो में बैठे और धोबिया टंकी चौराहे में उतर गए, देखे तो पैसा जेब में नहीं था। कितना पैसा निकाला? 7000 रुपये। तो ऑटो वाले को पहचानते हैं? ऑटो वाले को अगर देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे। घटना की शिकायत कहाँ की है? अमहिया थाने में शिकायत दर्ज हो गई है। जी हाँ। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले कि हम चेक करके फिर बताएंगे। जी, अखाड़ घाट किला के पास। कितने बजे घटना है? 11 साढ़े 11 बजे के बीच की है, 11 से साढ़े 11 बजे के बीच।